के दौरान सीएम का उलन खटोला राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र डुमर टोला में उतरा, जहां सीएम रमन सिंह ने शिविर में मौजूद लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही 7 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात भी ग्रामीणों को दी। देखिए रिपोर्ट। लोक सुराज अभियान के तहत मुख्यमंत्री रमन सिंह का उड़न खटोला राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र मोहला ब्लॉक के ग्राम डुमर टोला में आयोजित समाधान शिविर में पहुंचा, जहां सीएम रमन सिंह ने शिविर में मौजूद लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही पास के क्षेत्र के विकास के लिए 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात भी ग्रामीणों को दी। इसमें ग्राम पंचायत के लिए 10 लाख रुपए की सीसी रोड, 10 लाख की लागत से महिला प्रशिक्षण केंद्र, ग्राम पंचायत दनगढ़ में 14 लाख रुपए की लागत से नव निर्मित खाद गोदाम, 10 लाख रुपए की नवीन कार्यों की स्वीकृति, 10 लाख रुपए की नवीन कार्य ग्राम पंचायत सोमाटोला, दनगढ़ में एक नई एम्बुलेंस के लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति, नवीन पंचायत भवन के साथ 5 ग्रामीणों को ट्रैक्टर और गांव के मछुआरों को मछली जाल समेत ग्रामीणों को चरण पादुका की सौगात शामिल है। साथ ही सीएम ने ग्रामीणों से पूछा, जो लोग अपने लिए निजी जमीन पर तालाब खुदवाना चाहते हैं, वे हाथ उठाएं, जिस पर 10 से 12 ग्रामीणों ने अपनी निजी जमीन पर तालाब खुदवाने के लिए मौके पर ही सहमति दे दी। यहाँ पे अलग अलग गाँवों में 1 करोड़ के पंचायत भवन का घोषणा, यहाँ के सड़कों का निर्माण, एक एम्बुलेंस, ऐसे विभिन्न कामों का लोकार्पण हुआ। खासतौर से डूमर टोला में एक महिला प्रशिक्षण भवन 10 लाख, पंचायत भवन धनगढ़ में 14 लाख, धनगढ़ में ही एक एम्बुलेंस धनगढ़ के लिए एक एम्बुलेंस, हाईस्कूल का एक कमरा, सोमाटोला आता निर्माण, नल जल योजना, मलम टोला में 10 लाख, हायर सेकेंडरी डूमर टोला की प्राथमिक शाला की कार्यवाही, ऐसे मांग भी आए थे, इनका भी निराकरण हुआ। वहीं शिविर में अचानक पहुंचे ग्रामीणों से सीएम ने सीधे बात की और उनसे शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने शिविर में अधिकारियों से कहा कि भूमि समतलीकरण और डबरी निर्माण के जितने भी आवेदन आए हैं, उन सभी को स्वीकृत किया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर भू समतलीकरण के 139, डबरी निर्माण के 17, तालाब गहरीकरण के 23 आवेदन स्वीकृत किए गए। मुख्यमंत्री को ग्रामीणों ने शिविर में बिजली के कम वोल्टेज की समस्या बताई, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी डुमरा टोला क्षेत्र में दल्ली राजहरा से बिजली सप्लाई हो रही है। मोहल में 132 केवी का एक विद्युत सब स्टेशन बन रहा है, जो जून तक पूरा हो जाएगा। इस समाधान शिविर में 9 ग्राम पंचायतों डुमर टोला, आमा टोला, बिरझू टोला, दनगढ़, जोब टोला, कोड़े तर्रा, मोतीपुर, मुंदा डीह और सोमा टोला के ग्रामीण शामिल हुए। नवीन प्राथमिक शाला कोड़े मरा में शिक्षण मत से 11,46,00,000 11,46,00,000 का भवन का निर्माण भी स्वीकृत किया है। इस प्रकार इस पूरे क्लस्टर में विभिन्न योजनाओं में 7 करोड़ के काम आज स्वीकृत किए गए। तो देखा आपने, लोक सुराज छत्तीसगढ़ की जनता के लिए किस तरह वरदान बना हुआ है, जहां सीएम गांव गांव जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। सीएम के इन कार्यों के लिए जनता सीएम को धन्यवाद दे रही है। सीएम का उड़न खटोला 7 करोड़ से ज्यादा की सौगात देकर उड़ा, तब डुमर टोला के ग्रामीणों के चेहरों की खुशी देखते ही बनती थी। राजनांदगांव से स्वराज संवाददाता शशि देवांगन की रिपोर्ट। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही।